हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं नई रेसिपी में क्या लेके आई हूँ, मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए कमल ककड़ी और आलू की सब्जी। तो चलिए बना के बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में कंटिन्यू। तो चलिए बना के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, कमल ककड़ी और आलू को उबाल लेते हैं। और देखिए उबाल ली हैं अभी, और टमाटर, मिर्ची, प्याज, कड़ी पत्ता और लहसुन ले ली हूँ। और देखिए इधर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और कढ़ाई रखने के बाद देखिए मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। तो ऑयल डाल लेते हैं। और देखिए अभी कढ़ाई गर्म हो गए लगभग, तो मैं अभी राई डाल दी हूँ और लहसुन 4-5 कलियाँ लहसुन का ले ली हूँ, और जीरा और प्याज मिर्ची जो काट के रखे और थोड़ी देर के बाद डालेंगे दोस्तों। तो देखिए अभी हमारा लहसुन हो गया है। अभी मैं मिर्ची और प्याज और कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। फिर अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेना है, एकदम ज़्यादा नहीं भुनना है दोस्तों। और देखिए अभी मैं कमल ककड़ी को डाल देती हूँ, उबाल के रखी थी दोस्तों। तो देखिए अभी डाल दी हूँ, और थोड़ा इसको अच्छे से भून लेना है। क्या है, एकदम टाइट रहता है दोस्तों। इसको मैं कुकर में उबालने वाली थी दोस्तों, लेकिन मैं ऐसी कढ़ाई में उबाल दी। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से भून लेते हैं ढक ढक के। और इसका सब्ज़ी बनाना एकदम बहुत ही आसान है दोस्तों। इसको आज मैं फर्स्ट बार आलू के साथ बना रही हूँ दोस्तों। मैं दाल में हमेशा बनाती हूँ। देखिए दोस्तों, कमल ककड़ी हमारा लगभग भून गया है। थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं अच्छे से। फिर अभी देखिए मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। आलू एकदम उबल गया है दोस्तों, एकदम पक गया है। और आलू को निकालने के बाद दोस्तों, मैं कमल ककड़ी को थोड़ा सा और उबाली ताकि अच्छे से पक जाए। तो देखिए अभी मैं नमक ऐड कर लेती हूँ स्वाद अनुसार, और हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो चलिए अच्छे से मसाला को मिक्स कर लेते हैं। आप इसे सूखा रखना चाहते हो तो सूखा भी रख सकते हो, और थोड़ा सा पानी डाल के बनाना चाहते तो वो भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आप इस सब्ज़ी को आप जैसे बनाना चाहते हो, सूखा या रसा वाला, जो भी आप बनाना चाहोगे आप बना सकते हो। बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। देखिए अभी मसाला हमारा भुन गया है। मैं अभी टमाटर ऐड कर ले रही हूँ, और टमाटर अच्छा से गल जाए इसलिए मैं नीचे डाली हूँ दोस्तों। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है इसका सब्ज़ी। तो देखिए अभी टमाटर भुन गया है दोस्तों, और मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए टमाटर को अंदर डालने का यही फ़ायदा होता है दोस्तों, एकदम अच्छे से गल जाता है, इसीलिए मैं हमेशा सब्ज़ी में वैसे ही डालती हूँ। देखिए अभी और थोड़ा से ढक के पका लिए टमाटर को, और अच्छे से भून लिए हैं। तो देखिए अभी मैं पानी ऐड कर ले रही हूँ 1 गिलास करीब। देखिए फिर अच्छा से थोड़ा से पकाएंगे। देखिए एकदम आसान है दोस्तों, सिंपल तरीके से बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, इधर मैं धनिया को बारीक बारीक काट लेती हूँ। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं सब्ज़ी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। और जो नए आएंगे मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।